मम्मी का एक ही सपना कि मैं डॉक्टर बनूं, एक फेमस फिजिशियन। क्यों, सर्जन नहीं बनना? नहीं बाबा, हमें ना बचपन से ही खून और घाव से बहुत डर लगता है, देखते ही कुछ अजीब सा होने लगता है। पहली किश्त अब तुम्हारे हाथ में, फैसला क्या करना है? स्कूल, कॉलेज और कामकाज से घर लौटती लड़कियों को अक्सर ईव टीजिंग का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही था। राघव ने ना तो वैशाली को छेड़ा, ना उसका हाथ पकड़ा, ना ही कोई अपशब्द कहे। तो फिर आखिर उसके सामने ये खून की बोतल फेंकने का क्या कारण था? पहली किश्त क्या मतलब था इसका? यकीन मानिए, जब इन सवालों से पर्दा उठेगा तो थर्रा जाएंगे आप। वैशाली, मम्मी, हम स्कूल में थोड़ी ना है जो आप हमें टिफिन दे रही है। कॉलेज में सब हमारा मजाक उड़ाते हैं। बैठो। करो वही जो दिल कहे। किसी और के कहने पर अपना मन क्यों बदलना? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें अपनी मम्मी का हाथ का खाना अच्छा लगता है कि नहीं? तो फिर फकर से लेके जाओ, इस कैंटीन का खाना खाएगी ना तबीयत खराब हो जाएगी। डॉक्टर बनाए कि मरीज? क्या वैशाली डॉक्टर बनने जा रही है और अभी भी रोमांटिक बुक पढ़ती है? अरे क्यों, डॉक्टर्स के पास दिल नहीं होता सर? अरे राघव, वो देख यार, हम चाहते हैं हमें कोई ऐसा मिले जो इस नॉवेल के हीरो की तरह हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करे, हमारे लिए अपनी जान भी दे सके। सुबह जब हम उठे ना तो हम पर फूल बरसाए। दिखाई नहीं देता क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे घर में मां बहन नहीं है क्या? माँ बाप मर गए, तू बोल घर बसाएगी क्या? हम तुम्हारे घर में होते ना तो तुम्हें ठीक करते। अच्छा, कैसे? ऐसे आवारा निकम्मे और लड़कियों को छेड़ने वालों को ऐसे ठीक किया जाता है, समझे? मुझे थप्पड़ मारा, मैं सह गया, लेकिन कोई मुझे आवारा लोफर कहे मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं
बंदा ऐसा मत कहना, समझी तुम? तेरी बेटी का जीना मुश्किल करके रखा है इस लोफर। लड़की छेड़ मजनू बनेगा, बनो डंडा दे। कीचड़ उछालना तुझे पसंद नहीं है तो तूने थप्पड़ मार के जता दिया। मुझे तेरा गुंडा आवारा कहना पसंद नहीं है तो मैंने जता दिया। फिर ये पुलिस क्यों? क्यों? हाँ, मैं आवारा था पर अब नहीं हूं। अगर कुत्ता जिस दिन तेरे घर में घुसा था ना, उसी दिन घुस के कुछ भी कर सकता, कुछ भी, पर नहीं किया। जानती है क्यों? नहीं जानती ना, बस इतना जान ले, तेरे सिवा अगर कोई छूता ना तो उसके हाथ काट देता। लेकिन तेरे थप्पड़ मारने के बावजूद तू मुझे अच्छी लगती है। शनि मेरी बात सुनो, मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं सुधर जाऊंगा वैशाली, उससे शादी कर ले वैशाली। वैशाली डरो नहीं, बस बस मेरी बात सुनो वैशाली। देखो तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा, डरो नहीं वैशाली। तुम्हें टाइम चाहिए तुम टाइम ले लो, जितना टाइम चाहिए तुम ले लो। वैशाली तुम जाना चाहती हो? जाओ वैशाली, जाओ वैशाली। देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम जाओ, डरो नहीं वैशाली। वैशाली कहाँ थी तुम? इतनी देर कहाँ लगा दी? पता है हम कितना डर गए थे, हम पुलिस के पास जा रहे थे, हमें लगा कि उस गुंडे ने तुम्हारे साथ फिर से कुछ करना दिया हो। वो खुशी है ना, उसके घर गए थे पढ़ाई करने, बहुत थक गए हैं, हम आराम करना चाहते हैं। हाँ चलो चलो अंदर चलो। ये मुझे थप्पड़, मैं सह गया, लेकिन कोई मुझे आवारा लोफर कहे सिभाकर कोई छूता ना तो उसके हाथ काट देता। लेकिन ये थप्पड़ मारने के बावजूद अच्छी लगती है तो मुझे, मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, मैं सुधर जाऊंगा वैशाली, उससे शादी कर ले वैशाली।
है क्या तू? तूने बताया क्यों नहीं आंटी को? मेरी बात मान, तो पुलिस में खबर कर दे, वो खुद निपट लेंगे यार उस बदमाश से। नहीं खुशी, हम बात को बढ़ाना नहीं चाहते, और जब उसने कुछ किया ही नहीं है तो टेंशन क्यों बढ़ाए? देखो, हमें जाने दो प्लीज। उठाने नहीं आया हूँ तुम्हें, माफी मांगने आया हूँ। शायद मेरा तरीका तुम्हें पसंद नहीं है। अब क्या करें? दिमाग कम है मुझ में। आई एम सॉरी। इट्स ओके, तुम जाओ यहाँ से। अब एक बात कहे तुमसे, ये सब छोड़ दो, अच्छे इंसान बनो। आखिर क्या था राघव के मन में? अपनी इन हरकतों से वो क्या साबित करना चाहता था? क्या वाकई राघव को अपनी गलती का एहसास हो चला था, या फिर वैशाली ने कोई गलती की थी? वैसे वैशाली ने एक गलती तो की थी, उसने अपने अपहरण की बात अपनी माँ को नहीं बताई। हालांकि उस दिन के बाद से अगले एक महीने तक वैशाली को राघव कहीं नहीं दिखा। वो हमेशा आते जाते यहां वहां देखती कि कहीं राघव उसका पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन राघव ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब वैशाली को यकीन हो चला था कि राघव उसकी जिंदगी से दूर जा चुका है। और फिर एक दिन हाय वैशाली, ये लो संभालो। ये क्या है? एक महीने से एक वर्कशॉप पे काम कर रहा हूँ, उसकी कमाई, इसलिए ये मिठाई का डिब्बा और ये सैलरी तुम्हें दे रहा हूँ, लो। पर मुझे क्यों? अरे तुम्ही ने मुझे ये रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर तुम ही चलोगी ना मेरे साथ, तुम ही हम सफर बनोगी ना मेरी। मैं अब सुधर गया हूँ। हाँ कर दो वैशाली, हाँ कर दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। देखो, हमें नहीं पता कि तुम्हारे मन में क्या है, पर हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं, इसलिए प्लीज हमारा रास्ता छोड़ दो। तुम्हें अपनी लाइफ के साथ कुछ करना हो या नहीं, हमें अपना करियर बनाना है, इसलिए आज के बाद हमारा पीछा कभी मत करना। हेलो वैशाली, राघव बोल रहा हूँ। बस एक आखिरी बात पूछने के लिए फोन किया है। देखो, हमने तुमसे कितनी बार कहा है। डॉक्टरी कर रही हो ना तुम? एक इंसान की बॉडी में कितना खून होता है? क्या? एक इंसान की बॉडी में कितना खून होता है? 5 से 7 लीटर। हमसे क्यों पूछ रहे हो तुम? कितना खून रोज बहना चाहिए कि इंसान की मौत 10 दिन में हो जाए? What? हेलो? मम्मी का एक ही सपना, मैं डॉक्टर बनूं, एक फेमस फिजिशियन। क्यों, सर्जन नहीं बनना? नहीं बाबा, हमें ना बचपन से ही खून और घाव से बहुत डर लगता है, देखते ही कुछ अजीब सा होने लगता है। पहली किश्त अब तुम्हारे हाथ में, फैसला क्या करना।
लो मैडम, ये आपके लिए गिफ्ट। विशाली दीदी, ये राघव भैया ने दिया है, चौथी किस्त। क्या चाहते हो तुम? हाँ, क्या समझते हो अपने आप को? परेशान करके रखा है हमें, और क्या लगता है तुम्हें ये सब करने से तुम हमारा दिल जीत लोगे? हाँ, सुन रहे हो तुम? सुन रहे हो कि नहीं? क्या सुनेगा, वो नहीं है यहाँ पे, अस्पताल में है सुबह से। अभी एक थप्पड़ ने इतना सुधार दिया तो दूसरा थप्पड़ और सुधार देगा। पागल हो तुम, क्यों कर रहे हो ये सब? तुमने कहा था ना कि मेरे रास्ते से हट जाओ, ऐसे रास्ते पे चल के क्या फायदा जिस रास्ते पे तुम नहीं। क्या चाहते हो? चाहता हूँ कि ये थप्पड़ मेरे गाल पर रोज पड़ते रहे ताकि मैं रास्ता कभी भटकू नहीं। पागल हो, बिल्कुल पागल। बहुत सी लड़कियां इस गलतफहमी की शिकार होती हैं कि जो लड़का उनके लिए जान देने को तैयार वो उन्हें बहुत खुश रखे। उनके जुनून में उन्हें प्यार और पागलपन में दीवानगी नजर आती है, और अक्सर यहीं आकर लड़कियां असावधान हो जाती, जैसा कि वैशाली के साथ। उसे लगा कि राघव सुधर गया है और उससे बेइंतहा प्यार भी करता, लेकिन यही वैशाली की सबसे बड़ी भूल। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हमारी बेटी का हाथ मांगने चले आए? जरा से भी शर्म नहीं आई तुम्हें? और तुम, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया? पागल हो गए हो? इससे शादी करोगी तुम? डॉक्टर तो दूर, नर्स तक नहीं बन पाओगी तुम इसके साथ रहके। देखिए मैं, चुप, एकदम चुप। अभी फौरन यहां से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं ना। चले जाओ यहां से। मम्मी, ऐसा नहीं है। आप इतने सालों से बच्चों को पढ़ाती आई हो और अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखा पाई। इसके साथ रहोगी ना, बदहाली के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। मम्मी, आप रहने दो वैशाली, सही कह रही है तुम्हारी मम्मी, मैं तुम्हारे लायक नहीं और तुम खुश नसीब हो जो तुम्हें इनके जैसी मां मिली। हेरी तो मां ही नहीं, और वैशाली मैं तो तुम्हें कुछ दिन पहले ही मिला हूं। उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तो गैरों के लिए अपनों से नहीं लड़ते। जैसा तुम्हारी मां कह रही है वैसे ही कर, चलता हूं। देखा नहीं कि उसने मेरे लिए अपने आप को कितना सुधार लिया है? पहले हर बात में मारने काटने की बात करता था, अब वो कितना शांत हो गया है सिर्फ मेरे लिए। मम्मी, वो बदल गया है। वो बदल गया है? क्या तुम्हारी सोच बदल गई? वैशाली, इंसान की आदत बदली जा सकती है, फितरत नहीं। गुस्सा, झगड़ा, आक्रोश फूट फूट कर भरा है उस लड़के में, पर वो बदल गया और अब उसकी वो उम्र भी नहीं रही कि उसको बदला जा सके, समझे तुम? आज तुम्हें इंप्रेस करने के लिए वो अपना खून बहा रहा है ना, कल तुम्हारा भी बहा सकता है। आज के बाद ना तुम उससे मिलने की कोशिश भी मत कर, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
ये राघव फोन क्यों नहीं उठा रहा? समझना चाहिए ना कि हम कितने परेशान हो जाएंगे। हेलो भाभी, राघव भैया ने तो क्या? आप जल्दी आ जाओ। अब क्यों आए हो यहाँ? चली जाओ यहाँ से। और सतीश, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। क्या जरूरत थी इसे फोन करने की और यहाँ बुलाने की? राघव चलो उठो, मेरे साथ चलो। कहाँ? अब और कुछ बोले ना तो और एक थप्पड़ खाओगे। वैशाली, ये कहाँ जा रही हो? राघव के घर, हमने शादी कर ली। मंदिर में और रजिस्टर मैरिज की अर्जी भी दे दी है। अपने होश में नहीं हो तुम। हम अभी पुलिस को फोन करेंगे और तुम यहाँ से हिलोगे भी नहीं, समझी? बुलाइए पुलिस। हम बालिक हैं पर अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। वैशाली, हमने आज तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। मम्मी, आप समझते क्यों नहीं है? राघव अब पहले जैसा नहीं रहा है, वो बदल गया है। वो हमें बहुत खुश रखेगा, हमारा बहुत ख्याल रखेगा। तुम्हें याद है तुम्हारे पापा के मौत के वक्त हम दोनों ने एक दूसरे से क्या कहा था? याद है? हम दोनों हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। याद है मम्मी, पर हम इस फैसले से बहुत खुश हैं। आपको भी खुश होना चाहिए ना। एक माँ हमेशा अपनी बेटी की खुशियों में खुश होती है। तू समझ क्यों नहीं रही है? तू सुन, मेरी बात सुन। वो जो तुझे वो बार बार जो मरने की धमकी दे रहा है ना, वो सिर्फ तुझे ब्लैकमेल करने के लिए। सुन मेरी बात। मम्मी, कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा है वो हमें। हम अभी अभी उससे मिलकर आ रहे हैं हॉस्पिटल में। कोई ड्रामा नहीं है। सुन ना, तू कभी माँ की बात नहीं मानेगी? मेरी बात मम्मी करो वही जो दिल कहे। आप ही ने कहा था ना, बस मैं वही कर रही हूँ जो हमारा दिल कह रहा है। और हमें विश्वास है कि राघव वैसा लड़का नहीं है जैसा आप समझती हैं। सही कहा था वैशाली की माँ ने। जो लड़का अपने आप को मारने की कोशिश कर सकता है वो किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन अक्सर लड़कियां ऐसे खतरनाक लड़कों के छलावे में आकर भूल कर बैठती हैं और खुद ही अपनी बर्बादी की दास्तान लिख डालती हैं। हम बचपन से ही प्रेम कहानियां देखकर सुनकर पढ़कर बड़े होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे दिलो दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि प्रेमी हमेशा एक दूसरे के लिए मरने मारने को तैयार रहते हैं। इसलिए जिसने भी मरने की धमकी दी, समझ लेते हैं कि बस वही हमसे सच्चा प्यार करता है। सावधान होना चाहिए लड़कियों को। समझना चाहिए कि ब्लैकमेल की नींव पर प्रेम की इमारत कभी खड़ी नहीं हो सकती। और ये माता पिता का फर्ज है कि वो अपने बच्चों का परिचय वास्तविकता से करवाएं। लेकिन ना तो वैशाली खुद सच समझ सकी, ना ही उसकी माँ उसे समझा सकी। राघव, कहाँ रह गए थे तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहीं नहीं यार, दोस्तों के साथ था। राघव, शराब पी तुमने? शादी है मेरी, खुश हूँ मैं। पहली रात को ही पहला वादा तोड़ दिया तुमने। प्लीज मत करो ना ये सब। कैसी बीवी है तू? तेरे लिए भी जान देने को तैयार थी और तुझसे मेरी आज की खुशी नहीं देखी गई। सुन, इस घर में मर्द मैं हूं और मर्द जो चाहे करता है। औरत को सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है। और सुन, आज की रात का ये थप्पड़ याद रखना, दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। वैशाली, मुझे माफ कर दो वैशाली,
नशे में मैंने तुम पर हाथ उठाया, बहुत गलत किया मैंने वैशाली। दोस्तों ने जबरदस्ती बुला दी तो कहने लगे छोरू का गुलाम हो गया है, बीबी ने खरीद लिया है वैशाली। मैं अपने प्यार को नाम होते नहीं देख सकता, बस इसलिए पी ली। प्रॉमिस वैशाली, आगे से नहीं पीऊंगा, सच्ची माफ कर दो। शादी की पहली ही रात वैशाली के साथ यह हादसा हुआ, लेकिन उसने आवाज नहीं उठाई। ये उसकी दूसरी बड़ी गलती थी। ये आने वाले भविष्य का संकेत था जिसे वैशाली समझ नहीं पाई। उसने वक्त के इस इशारे को नजरअंदाज कर दिया। राघव के चंद आंसुओं ने उसका दर्द धो दिया। पति पत्नी में अनबन होती है, झगड़े भी होते हैं, लेकिन हाथ उठाना, मारपीट करना, क्या ये प्रेम है? जी नहीं, ये हिंसा है, अत्याचार है, अपराध है, और इसे चुपचाप सहना मतलब इसे बढ़ावा देना है, और राघव को ये बढ़ावा मिल चुका था। राघव, यू आर सो स्वीट। पता है, हमारा इतने दिनों से मन हो रहा था कि हम जीन्स पहने। थैंक यू। ठीक है, फिर कर लो अपने मन की। अच्छा सुनो, मैं चलता हूँ, शाम को आऊंगा। मुझे भी राघव के लिए कोई गिफ्ट लेना चाहिए। He deserves it. एक काम करती हूँ, मार्केट जाकर ले आती हूँ। आज तो कुछ करने को नहीं था। भैया, क्या बात है? बड़ी बिंदास ड्रेस दी है भाभी को, बड़ी खूबसूरत लग रही है। पसंद तो कमाल की है तुम्हारी, अभी भी A1 और उनकी जीन्स भी A1। मैंने कहा उतर नीचे, पर तो अपने पैरों पर चल के नहीं जाएगा। और वो वाला है ना वैशाली, पीछे बैठो। राघव, तू क्या हुआ? मैंने कहा पीछे बैठो। लेकिन हुआ क्या? पागल हो गया हूं मैं, तुम पर हाथ उठे, तुम्हें उल्टा सीधा कहा, और इन हाथों से अगर अपनी गलती पर इतना पछताते हो तो गलती करते क्यों हो तुम? उससे बेकाबू नहीं रहता, क्या करूं विशाल, तुम्हें बहुत चाहता हूं, तुम्हें कोई और बुरी नजर से देखे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। विशाल, ये इलाका ऐसा नहीं है, तुम ऐसे कपड़े पहन के निकलो, मैं जानता हूं तुम्हारी नियत साफ, लेकिन वैशाली, यहां के लोगों की नजरें नहीं साफ है। किसी ने कमेंट किया, उसे रहा नहीं गया, इसलिए तुम पे जोर चला लिया। राघव की हरकतें उसके दिमागी दिवालियेपन का सबूत दे रही थी, लेकिन वैशाली की आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी इस सनक को नहीं देख पा रही थी। वैशाली ने एक बार फिर राघव को माफ कर दिया, लेकिन इससे भी मामला सुलझा नहीं। राघव वैशाली पर पूरा हक चाहता था, और वैशाली उसे बार बार माफ करती रही। याद रखिए, ये एक मानसिक बीमारी है, स्टॉकहोम सिंड्रोम, जिसकी वजह से वैशाली उसी राघव से प्यार करने लगी जो उसे बार बार तकलीफ देता था। वैशाली दर्द सहती, लेकिन अपने हर दर्द की सच्चाई अपने प्यार के अंधेपन में भुला देती। उसे राघव के आंसू सच्चे लगते और वो उसे बार बार माफ कर देती। धीरे धीरे वैशाली को इस दर्द की आदत सी हो गई, और राघव उसे अपने जीवन साथी की तरह नहीं, एक गुलाम की तरह समझने लगा, जिसे उसके इशारे के बिना हिलने तक का हक नहीं था।
मम्मी आप आइए ना, आइए ना बैठिए। कई दिनों से तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, इसलिए तुम्हें देखने चले आई। माँ मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। एक मिनट। ये निशान कैसे? कुछ नहीं, वो हम गिर गए थे ना, इसलिए। गिर गए थे तुम गिर गए थे, या जिसे तुमने बहुत ऊंचा समझा था वो गिरा हुआ निकला? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें पैसा है वैशाली? सब समझते हैं, अभी इसी वक्त अपना सामान पैक करो और चलो हमारे साथ। अब हम बात करते हैं उस राघव से। वैशाली बिना बताए यहाँ आ गए? चलो घर चलो। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पहले तुम बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को मेरी मर्जी के बगैर यहाँ लाने की? तुम्हारी बीवी मेरी बेटी है, अपनी बीवी के साथ क्या सलूक करते हो तुम देख चुकी हूं मैं। ए! तो हम दोनों के बीच में बताना, समझी? देखा, आ गया अपनी औकात पर। जिस लड़के के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया, करियर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, वो तुम्हारे लायक ही नहीं, ना ही कभी था। समझो वैशाली, अपनी अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर, डिवोर्स ले लो, ये लड़का तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, समझो। वैशाली तुम मेरे साथ आ रही हो या नहीं? यहां से दफा हो जाओ अभी इसी वक्त। आसपास भी दिखाई दिए ना तो इस बार पुलिस बुलवा के ऐसी हालत करूंगी मैं तुम्हारी, जिंदगी भर याद रखोगे। वक्त हमने खुद अपनी आंखों से देखा था, वो राघव ही था जिसने जिसने हमें टक्कर मारा। वैशाली वो सिर्फ जुनून ही नहीं है, वो पागल है, पागल। वो कभी भी किसी का भी कत्ल कर सकता है। तुमने उससे शादी करके अपनी मौत को गले लगा ली, हे भगवान। वैशाली को लगने लगा था कि अब हालात सुधरेंगे नहीं, लेकिन वो घर में कोई हंगामा नहीं खड़ा करना चाहती। अब शायद उसे इस बात का एहसास भी हो गया था कि माँ की बात ना मानकर उसने कितनी बड़ी गलती की, लेकिन सिर्फ हंगामा टालने के डर से माँ को बिना कुछ बताए लौटकर उसने फिर से एक बड़ी गलती की। डॉक्टर, मेरी वैशाली को बचा लिए, उसे सुसाइड करने की कोशिश की। डॉक्टर प्लीज जल्दी से इसको ऑपरेशन थिएटर लेकर चलो, तुम यहीं रुको। शाली की माँ उस पर बार बार प्रेशर डाल रही थी कि वो मुझसे डिवोर्स ले, वो बहुत परेशान थी।
उसकी मां ने ही उसकी जान ली है। मना किया था हमने उसे, बहुत रोका था, ये लड़का ठीक नहीं है, और वो नहीं मानी। इस जालिम ने मार डाला है मेरी बच्ची को। जाओ उसे डॉक्टर बनके मरीजों का इलाज करना था, उसी हॉस्पिटल में मेरी भूल से बच्ची उसने दम तोड़ दिया। झूठ बोल रही है वो, अरे पूरा मोहल्ला जानता है कि मैं अपनी बीवी को कितना प्यार करता हूँ। उस औरत की वजह से हम दोनों के बीच दूरियां आना शुरू हो गई थी। मेरी वैशाली ने आत्महत्या नहीं की, उसकी मां ने उसे मजबूर किया है, मजबूर किया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो मनोहर, और वैशाली की मां और राघव इन दोनों को इन्वेस्टिगेट करो। यस सर। डॉक्टर साहब आप पूरी तरीके से कंफर्म है अपनी रिपोर्ट के बारे में? आई एम वेरी श्योर ऑफिसर, और ये रिपोर्ट मैंने खुद ही लिखी है। सुसाइड नहीं आई है, खुद को ब्लेड मारने का एंगल नहीं था, वो हत्या की गई है उसकी। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अपनी बीवी का कत्ल क्यों करूंगा? अगर तुमने अपनी बीवी का कत्ल नहीं किया तो शाम तक घर जाओगे। फिलहाल चुपचाप अपना नमूना दो। सर सैंपल मैच हो गया है। बोल के तो मार मार के फाड़ू दे दूंगा तेरी में। हाँ डाला मैंने उसको, मुझे छोड़ के जाने को बोल रही थी कि मां ने उसे बता दिया, मैंने उसे टक्कर मारी, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, वैशाली घर पर आई। राघव तुमने तुमने मम्मी का एक्सीडेंट किया ना, तू झूठ मत बोले, मैंने खुद देखा है तुम्हें, बोलो राघव। हाँ गलती हो गई मुझसे, वैशाली मुझे तुमसे अलग करना चाहती है। तुम्हारी माँ मुझे बोल रही थी कि पुलिस में दे देगी। वैशाली वैशाली मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्रॉमिस आज के बाद कभी नहीं करो। माँ सही कहती थी, इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। तुम गुंडे थे तो गुंडे ही रहोगे, और अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। सिर्फ मेरी है, अब मौत ही मुझे तुझसे अलग कर सकती है। वैशाली स्टॉकहोम सिंड्रोम से बाहर आई, उसने सच को पहचाना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काश उसने पहले आवाज उठाई होती, अपने परिवार और पुलिस से पहले मदद मांगी होती। प्यार में मारपीट नहीं होती, और अगर ऐसा हो रहा है तो यह प्यार नहीं है, जुल्म है, अपराध, और इसके खिलाफ फौरन आवाज उठाइए। राघव को कानून ने सजा दी, लेकिन उससे पहले वैशाली को अपनी नासमझी की सजा मिल गई। राघव को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा का दोषी माना जाता है, और साथ ही आईपीसी धारा 307 के तहत वैशाली की मां पर कातिलाना हमले के लिए, और आईपीसी धारा 302 के तहत वैशाली की निर्मम हत्या के लिए उम्र कैद की सजा सुनाती है। सही मायनों में प्रेम क्या है, चाहत का असल मतलब क्या है, जिससे प्रेम करते हैं उसे तकलीफ देना हरगिज नहीं। बेहद जरूरी है कि हमारी युवा पीढ़ी पागलपन, जुनून, आकर्षण और प्रेम के बीच का फर्क समझे। प्रेम पवित्र है, ये दिलों को जोड़ता है, एक दूसरे को समझने की कोशिश है, एक दूसरे को आजादी देना है। लेकिन अगर ये प्रेम आपकी आजादी पर अंकुश लगाता है, आपको प्रताड़ित करता है, तो प्रेम नहीं है, अपराध है। लड़की के आगे पीछे घूमना, उसका पीछा करना, अपने हाथ पर उसका नाम लिखना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब प्यार की नहीं आने वाले दर्दनाक रिश्ते की निशानी है। याद रखिए, प्यार दो दिलों के आपसी चुनाव का रिश्ता है, दबाव का नहीं। इसलिए सावधान रहें ऐसे प्यार और ऐसे सनकी आशिकों से जो प्यार के नाम पर सिर्फ अपने पागलपन को जीते हैं। इसी विनती के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।